आंखों के सामने देखना चाहेंगे हमारे नए सुपरस्टार भजन कुमार को। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। भजन कुमार जी, आपका पहला एवर परफॉर्मेंस, वो भी हिंदुस्तान की जानी मानी मीडिया के सामने। एक और बार जो साथी थे उनको जरा बुलाइए, उनके देंगे। चलिए, ऑल राइट, धुआं धुआं से है। अब चल रहा है। कैसे हैं आप? इट्स सो गुड टू बी बैक हियर। फर्स्टली थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम, आप सब लोग यहाँ पर हो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्पेशल ओकेजन फॉर अस। थैंक यू सो मच। आपने पिछली फिल्म में बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार दिया था, और उसी आशा से एक और पारिवारिक फिल्म लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार फिर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमारे जो दोस्त हैं जो आप शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे सुपरस्टार के लिए एक चेयर जरा आप ले जाएंगे। अरे खड़े करते हैं। खड़े सर, बहुत सवाल है मेरे पास। आइए ना। रियली यू वांट टू सिट ऑन अ चेयर? सर आपका पहला इंटरव्यू है मीडिया के सामने। अरे 2 घंटे से कमरे में बैठा हुआ था। सॉरी अबाउट दैट सर। हाँ सर, मेरे लिए भी एक कुर्सी हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया। बहुत डिफिकल्ट स्टेप नहीं है, सिंपल ही है, साथ में करेंगे पक्का। अब तक हम भजन कुमार साहब से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, अब विकी से मिलने थोड़ा। या ओके, यस फैंटास्टिक। आई मस्ट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग, बरसों हो गए, मतलब मैं 90s की दीवानी। एक ऐसा गाना जो केवल 2 बार सुनाया दोस्तों को और लिरिक्स याद हो गए, जो वाइब आई है। कंग्रेचुलेशंस, व्हाट अ सॉन्ग। ओ थैंक यू। आई थिंक द रियल हीरोज बिहाइंड दिस सॉन्ग इज द टीम दैट मेड दिस सॉन्ग। प्रीतम दा, द जीनियस एंड द मास्टर दैट ही इज, अमिताभ भट्टाचार्य हु रोट द सॉन्ग एंड नकाश हु सैंग द सॉन्ग, विजय गांगुली हु कोरियोग्राफ द सॉन्ग। सो आई थिंक दोज आर द रियल हीरोज, एंड ऑफकोर्स विक्टर सर हु वॉज द मेन कर्ता धरता, directing everybody. So I actually instantly fell in love with this song. ये पहला गाना था जब हमने shoot किया, और ये जब गाना आया, this is the intro of Bhajan Kumar into the film also. और ये जब कन्हैया Twitter पे आ जा, गाना सुना मैंने, तो मैं actually इस दिन का बहुत wait कर रहा था कि गाना कब आए और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं अपने गाड़ी में ये गाना बहुत चला के अकेले ही पार्टी करता रहता हूँ, कि ये कोई सुन नहीं सकता, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, पर अब मैं सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू नो व्हाट सॉन्ग्स विकी टचेस गो ऑन टू बिकम सेंसेशंस, आई मस्ट से।
मतलब seriously you're going to touch wood, golden phase, मतलब wood तो. Yeah, now I want people to be obsessed with this song. Absolutely. अब obsessed, yes, is the right word. अब मुझे ये भजन कुमार is a fascinating character, Vicky. मतलब मुझे ये आदमी मजेदार लगता है. कौन है ये? क्या बता सकते हो? क्या reveal कर सकते हो? Please बताओ. तो भजन कुमार जो हैं, वो हम सब ने जगराते तो देखे हुए हैं, जगरातों पे गए हुए हैं. तो ये हमारा जो एक फिक्शनल शहर है फिल्म में, जिसका नाम है बलरामपुर, ये बलरामपुर का एल्विस प्रेस्ली है, माइकल जैक्सन है, भजन कुमार. और ये वो रॉकस्टार फील ना बहुत एंजॉय करता है. द अटेंशन दैट ही गेट्स, द सेलिब्रेशन दैट ही गेट्स टू बी अ पार्ट ऑफ, ये बहुत एंजॉय करता है. चाहे जगराता हो, चाहे घर की शुद्धि हो, बर्थडे हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, ये पहुंच के जाके अपना मैजिक बिखेरता ही बिखेरता है. एंड आई थिंक दिस सॉन्ग रियली ब्रिंग्स दैट आउट इनक्रेडिबली. यू सॉ द एंटायर ग्रेट इंडियन फैमिली ऑल्सो इन द सॉन्ग. सो अभी तक ट्रेलर आने से पहले इतना ही रिवील कर सकता हूँ कि ये बलरामपुर का माइकल जैक्सन है. बलरामपुर का माइकल जैक्सन है. एंड आई जस्ट रियलाइज, ओह माय गॉड, ट्रेलर हैज नॉट ड्रॉप्ड येट. ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम पहले गाने के साथ लोगों से मिल रहे हैं. और आई थिंक इट्स अ एब्सोल्युटली बैंगर ऑफ अ ट्रैक. सो कंग्रेचुलेशंस. अब चलते हैं ऑफ कोर्स ग्रेट इंडियन फैमिली की ओर. अनाउंसमेंट वीडियो जो हमने देखा, यू नो, जहां पर हमने देखा कि वो क्रेजी है. कभी कभार हमारी फैमिली को हम ओवर बेयरिंग भी बोल सकते हैं अपनों में, राइट? लेकिन जस्ट फॉर फन, यू नो, ये फैमिली कैसी है? क्या कहेंगे आप मेरी ऑडियंस से? ये आई थिंक ये जो फिल्म का टाइटल है ना, द ग्रेट इंडियन फैमिली, ये बहुत ऐप टाइटल है. बिकॉज इस फैमिली के जरिए यू एक्चुअली सी इंडिया. जो एक इंडिया की खूबी है कि हम एक ही देश में बहुत रंग हैं, बहुत रंगीन देश है. और वैसे ही हर परिवार में वो सारे रंग होते हैं. पापा का अलग रंग है, मम्मी का अलग रंग है, बुआ का अलग रंग है, मासियों का अलग रंग है, चाचियों का अलग रंग है. और आज तो बहनों का दिन है, बहनों का अलग रंग है. और बाय द वे, राखी की सबको बहुत बहुत बधाई, सारी बहनों को. मोर पावर टू यू. बट वो सारे जो फ्लेवर्स है ना, जो एक घर में आपको सेलिब्रेशन भी मिलते हैं, गाना भी सुनाई देता है, और बर्तन भी गिरते हुए सुनाई देते हैं. तो कई बार ये भी होता है कि स्पेशली हमारे इंडियन घरों में ये होता है कि जब वो ज़्यादा खुश होते हैं तो बगल वाले को लगता है शायद लड़ाई हो रही है. फिर वो बोलते हैं कि नहीं यार, हम तो मज़े कर रहे थे. तो वो सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं, इन अ वेरी एंडियरिंग वे, इन अ वेरी वार्म वे. एंड दैट इज़ वॉट एक्चुअली पुल्ड मी टू दिस फिल्म ऑल्सो. कि मुझे लगा कि यार ये फिल्म ना, जब मैंने पहली बार सुनी विक्टर सर से, मैंने कहा यार ये ना मुझे अपने पूरी परिवार के साथ देखनी है. यू नो, इट वॉज लाइक दैट. तो आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि जब ये फिल्म आए और इसके और पत्ते खुले, पीपल ऑल्सो फील दैट, एंड इवेंचुअली people do get their families and friends and everybody to watch the film. I think so. Also, agle hafte Janmashtami ke shubh avsar par ye gana to I think is really going to. Thank you for gifting us this song just in time. I would say. YRF. Thank you. Thank you for that. Real family ke baare mein to baat kar li, lekin real family, kya aapki family bhi great Indian family is khitab ko qualify karti hai? I guess every family in this country qualifies for the great Indian family. I think हमारा जो एक फैमिली कल्चर है इज़ ऑल्सो वॉट मेक्स दिस कंट्री वेरी यूनिक. यू नो, जो आप बाहर जाकर भी देखते हैं, सबके अपने अपने कल्चर हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज है, पर ये चीज़ बड़ी मिस होती है जो यहाँ पे ना, मतलब वो सिर्फ पेपर पे लिखने के लिए होता है कि दूर की मौसी. दूर का कोई नहीं होता हमारे यहाँ, है ना, वो मासी ही होती है जो मासी होती है. क्या बात है. सो वो यहाँ पे ना बहुत स्पेशल है हमारे यहाँ की. मतलब मेरी मासी जो है लुधियाना में रहती हैं, वो आज भी हर बर्थडे को, मेरे बर्थडे पे मुझे फ़ोन करके ये बोलती ज़रूर है कि जब तू पैदा हुआ था ना, तेरे डैडी नहीं थे अंदर, मैं थी, मैं तेरी मम्मी के साथ. तो वो जो हक है ना एक फैमिली का हर मेंबर पे, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है. और वो आई थिंक हमें बहुत स्पेशल भी बनाता है. तो मेरी रियल फैमिली भी हम सबकी फैमिली की तरह वैसी है कि हमारा प्यार करने का तरीका ही वही हक जमाना है कि हमारा तुम पे हक है. और वही चीज़, मतलब वो बहुत प्यारी चीज़ लगती है मुझे. या यू आर टेकिंग मी बैक टू माय फैमिली. थैंक यू फॉर दैट. गाना इज अ वाइब, है ना दोस्तों? मानते हो कि नहीं, गाना इज अ वाइब? यस यस, गाना इज अ वाइब गाइज.
It's also a big song. It's also like one of those songs जहाँ पर हजार extras हैं आपके साथ. You know, there are people who are doing 100,000 things in the frame. एक one memory, you know, इस गाने के shoot की जो आप मेरी इस कमाल की audience को बताएं. Actually, एक नहीं कई memories हैं. ये गाना जब हमने shoot किया था ना, तब COVID के restrictions अब उठे ही थे. तो हमें डर भी लग रहा था कि 500 लोगों के बीच में नाचना है. ये तब भी हम ऐसा होता था कि शॉर्ट से जस्ट पहले तक मास्क पहना होता था सबने. और ये भी खुशी थी कि यार 6 महीने से जो घर बैठे थे कि पता नहीं शूटिंग शुरू होगी नहीं होगी कैसे काम होगा, फाइनली हम शूटिंग कर पा रहे थे. तो वो एक्साइटमेंट भी थी कि यार हम वेट कर रहे थे कि कब शूटिंग करने का मौका मिले. तो व्हेन वी यूज्ड टू कम ऑन सेट, सो वो सारे वो जो रूल्स तब सेट थे ना एक फिल्म सेट के लिए कि टेस्टिंग रोज होगी, फलाना रोज होगा, ये सब होगा फलाना, तो ये सब होता था और इतने क्राउड में. एंड इट वॉज जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग दैट यू नो कभी कुछ वैसा नहीं हुआ कि किसी को कोविड हो गया, शूटिंग रोकनी पड़ी. एंड स्ट्रेंजली मिराकुलसली लाइक यू नो इट वेंट वेरी स्मूथली, सो इट एक्चुअली टर्न इनटू अ सेलिब्रेशन. और कहीं ना कहीं जो हम कन्हैया जी को याद कर रहे थे तो कन्हैया जी ने बचा भी लिया था हमें. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. चलो एक भजन कुमार की ओर बढ़ते हैं. हाँ जी. इतने कमाल के कड़कते भड़कते सिंगर विद हिज ऑर्केस्ट्रा जैसे आई वुड से. विकी पर्सनली आर यू अ सिंगर एट ऑल इन रियल लाइफ? व्हाट काइंड ऑफ सिंगर आर यू? मतलब बाथरूम में गाते हैं, बाथरूम के बाहर गाते हैं, यहाँ गा सकते हैं क्या? मैं देखो मैं बहुत कमाल का सिंगर हूँ. इतना कमाल का हूँ मैं कमरे खाली करा सकता हूँ. मैं गाऊंगा तो ऐसे लोग बाहर भागेंगे तो वो मैं चाह नहीं रहा हूँ आज के लिए. पर आई एम अ वेरी मच अ बाथरूम सिंगर. बाथरूम में मैंने बहुत कॉन्सर्ट्स करता हूँ. मैं भजन कुमार हूँ बाथरूम में. बाकी आई लीव इट टू द रियल सिंगर्स टू कवर इट अप फॉर मी. एंड बट गाना बहुत पसंद है. बिल्कुल, बिल्कुल. मज़े से गाता हूँ और हाँ पर बाथरूम सिंगर ही हूँ. बाथरूम सिंगर. हाँ बाथरूम से भी कोई अगर छोटी जगह हो तो वहाँ पे भी मैं वहाँ के लिए हूँ मैं. जस्ट बी वेरी बिकॉज विकी का तो पता नहीं लेकिन भजन कुमार के बाथरूम के बाहर कई सारे लोग खड़े रह सकते हैं ये मुझे 100% गारंटी है. म्यूजिक की बात करते हैं बिकॉज दिस इज परहैप्स अ कैरेक्टर दैट लेंड्स इटसेल्फ दिस क्वेश्चन. म्यूजिकल इंस्पिरेशंस कौन रहे हैं, कौन हैं वो सिंगर्स जिनको विकी आइडलाइज करते हैं? आई थिंक फॉर मी देयर आर टू नेम्स दैट आर कमिंग टू माय माइंड राइट नाउ. एक तो किशोर कुमार जी हैं who with his songs, with his performances and his vocals, his performances and his music, on screen, everything. I think wo ek bahut hi magical, bahut hi gifted artist the, jisse peedhi dar peedhi hum sab seekhte hi rahenge unse. The second name is Gurdas Mann sahab. I am a huge, huge fan of him as a singer, as a human being. So yeah, Gurdas Mann sahab and Kishore Kumar. Can I please have a big hand for that answer? It's so lovely. Thank you for sharing that with us. I must say, I'm still not over Tere Vaaste Falak Pe Mujhe. Sorry, I'm also not a singer. Lekin, the amount of success, ye success Zara Hatke Zara Bachke was phenomenal. Okay, it was different. I don't know why. I can't put a finger on it. Lekin, I feel that India just went with you, Vicky. You know, so have you got you know at this point any sort of pressure because suddenly there's going to be like ye bhi hit ab ye bhi hit hona chahiye? To be very honest, it's not pressure, it's so much gratitude I have and I really want to take this opportunity aaj jahan pe ye mujhe manch mila hai to interact with the media and people through them again to just say thank you. Matlab tahe dil se jo zara hatke zara bachke ke sath hua, unke gaano ke sath hua, it was really special and all credit goes to the people jinhone itna pyar diya un gaano ko, us kahani ko, us film ko at a time jab log keh rahe the ki yaar aisi picture nahi chalegi, aur log nahi actually experts keh rahe the ki aisi picture nahi chalegi, ye OTT ke liye hai falana hai. And us film se lekar abhi tak it's been such a good run for our film industry where every film is bringing the audience back to theaters, एंटरटेन कर रही है, रुला रही है, एक्शन हो रहा है. व्हाट गदर 2 इज डूइंग इज इनक्रेडिबल. और वो इतना अच्छा भी लगता है यू नो कि जब हर फिल्म एक सेलिब्रेट हो रही है.
यही मेरी प्रेयर भी है कि अभी इस फिल्म को भी वैसा प्यार मिले, उससे ज़्यादा प्यार मिले, इसके गानों को भी प्यार मिले, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ फैमिली फिल्म, दिस इज समथिंग दैट वी कैन ऑल रिजॉइस एंड सेलिब्रेट अलॉन्ग विद आवर फैमिली. सो या, फिंगर्स क्रॉस्ड. आई विश यू लक फॉर दैट. बट एक्सपर्ट्स, क्योंकि आपने बात की, देयर इज़ अ क्रेजी, यू नो, एक चलन है जहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉन्टेंट वाली फिल्में इस वक्त थिएटर्स में नहीं चल रही है. डू यू एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट एट ऑल? आई थिंक वो चेंज हो गया है. मैं फिर भी थोड़ा मानता 3 महीने पहले, पर अभी जिस हिसाब से इवन यू नो ड्रीम गर्ल इज हैविंग अ ग्रेट रन, गदर 2, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, सत्य प्रेम, जरा हटके जरा बचके, ऑल दीज फिल्म्स आई हैव, इनका कंटेंट एक दूसरे से बहुत अलग है. द स्केल इज वेरी डिफरेंट, द बजट इज वेरी डिफरेंट, बट इट्स स्टिल कनेक्टिंग विद द ऑडियंस इज गिविंग इट अ चांस. और सबको मौका मिला, सबको सेलिब्रेट किया गया back to back every Friday, which is just so beautiful and so encouraging. And thank you to the audience once more for just like, you know, hame apne aap mein vishwas dilane ke liye wapas, you know, aapke pyar ke wajah se hi hame shakti milti hai, hame wo strength milti hai ki yaar hum jo kahani dil se kehna chahte hain wo aap tak lekar aa sakte hain. So mujhe lagta hai ki content hamesha hi baat karega, and hopefully ye bhi baat kare. I like it. I think USP, जो इसमें इंडियन शब्द है ना, वो धीरे धीरे खुलेगा और आपको पता लगेगा why that is important, because ये बहुत एक important बात भी करती है फिल्म, इसकी messaging बहुत important है, and something that I truly relate to also. और वो चीज़ें आगे आपको दिखाई देंगी, but अब के लिए भजन कुमार is the USP for today. Absolutely. And I really hope and pray that people really give their love to Bhajan Kumar, really give their love to this great Indian family. And yes, we are really looking forward ki hame aur trailer lekar aaye aur gaane lekar aaye aur dheere dheere wo sare patte bhi khulenge. You know, jab koi mere samne aata hai jo mujhse zyada khush nazar aata hai, aapke saath aise hota hai ki someone you meet and they're happier than you, and then you want to ask them ki bhai tere ye khushi ka secret kya hai? Bhajan Kumar right now looks like the happiest man in India. सीरियसली, उसको देख के एक वाइब आती है. अगर कोई उनसे मिले तो क्या कहेंगे वो इन टर्म्स ऑफ अ लाइफ लेसन? क्या होगा भजन कुमार का लाइफ लेसन बाकियों के लिए? अरे भाई साहब, इस गाने में ना एक, जब आप पूरा गाना भी देखोगे YouTube पे, उसमें एक लाइन है जो भजन कुमार जी कहते हैं कि जो गिनते गिनते थक गए वो संपत्ति किस काम की, धनवान वही सच्चा है जिसपे कृपा दृष्टि घनश्याम की. क्या बात है. तो आई थिंक वी शुड जस्ट हैव दैट, यू नो, रब अपना भगवान सब कुछ अपने दिल में लेके, वट एवर यू डू देन इट विल बी ग्रेट. आई थिंक दैट्स व्हाट भजन कुमार वुड से. फॉर राइट नाउ आई मस्ट से आई एम अ लिटिल इन लव विद भजन कुमार, आई मस्ट से. चलो शाम तक आई होप इट्स थोड़ा सा हो गया है, क्रश हो गया है, ट्रांसफर हो रहा है विक्की से भजन कुमार. दैट्स ग्रेट. खुद कितना क्रश करते हो इन पर? आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू लव दिस कैरेक्टर. आई क्रश ऑन एवरी कैरेक्टर दैट आई प्ले. आई नीड टू फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर. एंड भजन कुमार की जो मेरे लिए खूबी यह है कि इनका एक इनोसेंस है, भजन कुमार का एक एक सच्चाई है जिससे वो जीते हैं. एंड दैट फॉर मी इज रियली लवली. जो भजन कुमार की एक जो एक एक, एक, एक क्या कहते हैं उसे, ऑरा है एक, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये दिन भर ऊपर वाले को याद करता है और वो इंजॉय करता है और वो लोगों को इंजॉय करवाता है. एंड दैट फॉर मी एज एन आर्टिस्ट इज व्हाट वी क्रेव फॉर, कि हम एंटरटेन करते रहें. एंड भजन कुमार आल्सो जस्ट डज दैट, कि वो ही कीप्स एंटरटेनिंग. एंड फॉर मी आई वुड जस्ट आल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि वो जो खुशी है ना जो आपने बात की, वो मेरे लिए इसलिए भी है कि हर एक्टर का ना एक ड्रीम होता है कि जिंदगी में एक बार ना यशराज की एक पिक्चर हो जाए. ओह हाय 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 हाय. तो वो यशराज की एक पिक्चर का हिस्सा होना ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई साल पहले जब कोई पिक्चर नहीं थी, ऑडिशन दे रहे थे और थिएटर करते थे, तब कई चक्कर लगाए थे यशराज के स्टूडियो में और ऐसे देखता था कि यहाँ पे किसी दिन काम मिलेगा, यहाँ पे किसी दिन काम मिलेगा. तो आज जब वो काम मिला और वहाँ पर काम करने का मौका मिला, सो आई थिंक आई वॉज ऑल्सो कैरिंग दैट हैप्पीनेस एवरी डे ऑन सेट कि ड्रीम्स डू कम ट्रू. So, yeah.
अपना दोस्त यशराज की फिल्मों का हीरो बन ही गया यार. Oh my God, this is great. Because I must say this to end today's chat. That there's been a lot of people who come and go. Okay, but there is a wonderful time in their lives when उनको हर किसी से प्यार ही मिलता है, मोहब्बत ही मिलती है. And I hope that this phase for you stays forever. And यहाँ पे जितने भी लोग हैं, they're here because you're here. So congratulations and all the best with Bhajan Kumar. Thank you and आप सब के लिए रियली रियली तहे दिल से शुक्रिया मेरा. एंड थैंक यू फॉर टर्निंग अप. थैंक यू भजन कुमार को मौका देने के लिए, मुझे मौका देने के लिए. और आप सबके प्यार का हमेशा भूखा रहूँगा और वो भूख बढ़ती ही जाती है हर फिल्म के साथ. इतने भी प्यार दीजिएगा और थैंक यू सो सो मच. साथ में डांस करना है, करें एक बार, कर सकते हैं पाजी? आई लव यू पाजी. ऑलवेज रेजेस हिज हैंड्स द फर्स्ट. थैंक यू पाजी. यहाँ पे करना है, वहां पे करना है, स्टेज पे? हाँ, उसको भी, तेरे को पहले लेके आऊंगा, तुझे सब पे देता है ना. शुड वी डू इट हियर? हाँ, स्टेज ना, आ जाओ. जिन्हें भी प्लीज आप आ जाओ. भूमिका आप तो आई फोटो के लिए पहले. अच्छा ठीक है पाजी, मैं एक फोटो आप कर ली, मैं खत्म कर लेना. हमारे कुछ दोस्त हैं. हाँ, हम माइक हटा देंगे, डोंट वरी, प्रॉमिस. थैंक यू, थैंक यू. भजन कुमार के साथ ये वाला मौका जो है फिर से नहीं आने वाला है. सो भूमिका जी, आपको आमंत्रण मैं दे रही हूँ पर्सनली. मैं जानती हूँ बहुत कमाल की डांसर हैं ये. हाँ जी बिल्कुल, फोटोज फर्स्ट एंड देन वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ अ डांस. लेट्स गो फॉर दिस. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू. सोलो डांस. स्नेह, कम ऑन स्नेह, जस्ट कम. Come on.
All right, Ricky, thank you so much. Congratulations again. And one of you. Just say thank you. Thank you so much, everyone. फिर से thank you, ma'am. Thank you so much. And सबको please spread the word, share it. और भजन कुमार को बहुत प्यार दीजिए, इस ग्रेट इंडियन फैमिली को बहुत प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट द प्रमोशंस अगेन, टू इंटरैक्ट विद यू गाइस अ लॉट मोर. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू. और जैसे कि परिवार वालों के साथ होना चाहिए, प्लीज लंच खाकर ही जाइएगा. अगर आपके कलाइयों पर एक पर्पल बैंड है तो आप हमारे साथ यहीं पर रहिएगा. लेकिन हमारे जो बाकी दोस्त हैं मीडिया के, प्लीज हैव लंच विद अस एज आई एम वेरी ऑनर्ड टू प्रेजेंट YRF's द ग्रेट इंडियन फैमिली. सी यू सून. बाय बाय.